कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज का ये जो ब्लॉग है 7 जून के दिन का है। 7 जून को ही हमारे बेटे का जो लगन पड़ा हुआ था, तो बारात निकलने का तैयारी सब कुछ हो चुका है। सबसे पहले यहाँ हम लोग कुल देवी के पूजा के लिए आए हैं। नथिया मांगटी का चुनरी वगैरह सब कुछ चढ़ता है, चढ़ गया है। अब यहाँ पे कुल देवी के सामने थोड़ा सा डांस वगैरह हो रहे हैं, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, और गांव का प्यारा सा नज़ारा भी देखिए साथ साथ, तो बने रहिएगा। बाद थोड़ा थोड़ा सभी ने डांस किया, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है देवी देवता के स्थान पे थोड़ा सा, जैसे शुभ कार्य है तो फिर थोड़ा थोड़ा डांस वगैरह होना चाहिए। और वहाँ से तुरंत घर के लिए हम लोग निकल चुके हैं। अभी जैसे बस पहला जो रस्म है यही हो रहा है। आज जो बारात निकलेगा, तो बारात निकलने से फर्स्ट ये पहला रस्म है कि कुल देवी का पूजा होता है और दुल्हन का चुनरी और जो भी कुछ जैसे धार वगैरह होते हैं पूजा पाठ में चढ़ाया जाता है, और मांगटी का नथिया जो जरूरी होता है। और सभी लोग निकल चुके हैं घर के लिए। अब घर पहुंचने पे यहाँ भी थोड़ा जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं डांस कर रही हैं, और थोड़ा सा क्लिप इन लोगों का भी ले लिया है, क्योंकि ये पल जो है बहुत ही यादगार होते हैं और कभी भी देख भी सकते हैं। और इसके बाद से शाम का टाइम हो ही चुका था, तो यहाँ हमारी भाभी हैं और ये बच्चे लोग हैं, सभी लोग अपना तैयार हो चुके हैं। और ये हमारी बहन है, और पीछे हमारी बुआ की बहू यानी हमारी जेठानी हैं। तो सब लोग अपना इधर तैयार हो चुके हैं। बुआ वगैरह जो बाहर हैं वो सब लोग अपना बारात निकालने की तैयारी कर चुके हैं। प्यारी सी बच्ची है, मेरी बहन की लड़की है छोटी वाली। और यहाँ सनी के पापा भी तैयार हो चुके हैं। तो और सामान आप देख ही सकते हैं कि जो सामान जैसे फैला पड़ा है तैसे, क्योंकि तैयार होने के बाद कोई भी शादी का घर है कोई भी साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। यहाँ हमारी सासू माँ हैं और पीछे सनी बैठा हुआ है, तो बस अब नहाने का इसका इंतजाम होगा। और यहाँ देख सकते हैं सृष्टि भी तैयार है, ये भी लहंगा वगैरह अपना पहन चुकी है। तो बस यहाँ मैं सनी को अपना सनी कैमरे में आने से थोड़ा सा वो हो रहा था, क्योंकि नहाने जा रहा था, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं है। और अब यहाँ पे सब लोग अपना ऐसे करके बैठे हुए हैं, और
में यहाँ पानी भर चुका है और बुआ नहवाएंगी। तो बस यहाँ कैमरे वाले भी आ चुके हैं, तो कैमरा वाले भैया इस साइड अपना जो है क्लिप ले रहे हैं और इस साइड मैं भी अपना जो मोबाइल है वो बच्चों को दे दी हूँ थोड़ा बहुत वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है और ये तो बारात के दिन का वीडियो है तो फिर थोड़ा बहुत शूट होना ज़रूरी था। तो यहाँ बुआ अपना नहाने में लगी हुई हैं क्योंकि हल्दी लगा है पूरे बदन में और अच्छे से खूब नहवाया जाता है और ये पद फुआ का ही होता है। तो बस अपना बुआ नहवा रही हैं और उधर गाना जो भी लेडीज़ बैठी हुई हैं तो गीत गाना भी हो रहा है। और यहाँ नहवाने के बाद तो एक बॉटल नाउन ले ली हैं, उसमें पानी भरा जाएगा, बर का पानी जो होता है तो वही लड़की के यहाँ जाता है तो फिर वही उसी पानी से लड़की भी नहाती है। थोड़ा सा जैसे जो रसम है उसको तो किया ही जाएगा, तो इसके बाद से पैर में अच्छे से साबुन लग जाएगा, उसके बाद बर का पानी भी वो अपना निकालेंगी। तो आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा जहाँ तक हो सके आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे तक बढ़ सकते हैं। और शादी विवाह का माहौल है फिर भी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से छोटे छोटे जो क्लिप हैं हमने शूट करवाया और ये पल है, तो फिर अब कि कभी भी किसी भी पल कभी भी जब मन करेगा देख भी सकते हैं। तो यहाँ मैं अपना जो आखत रखा जाता है, जो नेचू वगैरह का काम होता है, उसी काम में मैं भी लगी हूँ। तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के हेल्प से मेरा सूट हो गया, और क्योंकि बच्चों ने बहुत मदद किया और इतना नहीं समय मुझे था कि मैं अपना मोबाइल का केयर करूं या किसी को दूं बनाने के लिए। तो अपने भतीजे को मैंने एक बार बोल दिया था कि हर जगह का क्लिप शूट करते रहना, तो बेचारा हर जगह का क्लिप शूट करते रहा। और यहाँ सासू माँ बुला रही हैं, तो फिर क्योंकि अब यहाँ पर माड़ों में ही जो फूफा होते हैं या जीजा होते हैं वही लोग पहनाते हैं, तो फिर सनी को, अभी सनी के जीजा तो हैं नहीं क्योंकि सृष्टि का शादी हुआ नहीं है और मेरे घर में कोई और जैसे वो ऐसी लड़की है नहीं कि जो जीजा लगते हों, तो बस फूफा जी हैं। तो वो अपना ये रस्म पूरा कर रहे हैं और सबके शादी में फूफा जी ही पूरा किए हैं ये रस्म। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो शेरवानी का वो है उसको पहना रहे हैं, इसके बाद से फिर शेरवानी पहनाएंगे। तो आप लोग बताइएगा जब हमारा सनी तैयार हो जाएगा तो कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो को भी बताइएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और मैं तो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कैमरे के सामने आ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं था। और यहाँ पर जो शेरवानी का हुक वगैरह है ये फूफा जी को अच्छे से दिखता नहीं, इसीलिए मैंने बंद कर दिया खुद से। तो अब यहाँ पे जो सर का वो पगड़ी है उसको भी रखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि हमारा सनी कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तो शेरवानी पहन चुका है, बाकी का जो अभी काजल लगाने का रस्म है, जो थोड़ा सा जैसे छोटा मोटा रस्म है वो सब अभी बाकी ही है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए और बताइए कि शेरवानी कैसा लग रहा है सनी को, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अभी बस ऐसे ही फूफा जी को हमारे ससुर जी दे रहे हैं, क्योंकि बस तुरंत खाली हाथ नहीं वो कर सकते हैं, इसके बाद से जो भी विदाई में देना होगा बाद में दिया जाएगा। और ये भी हमारे बुआ के लड़के हैं, तो ये आ गए हैं अपना जैसे मोजा और जो जूता वगैरह का रस्म है, तो फूफा जी हमारे बुजुर्ग हैं इसलिए ये रसम इस रसम को पूरा कर रहे हैं, और थोड़ा सा जैसे काजल वगैरह जो लगाना है यही पूरा करते हैं। और आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो शादी विवाह का वीडियो होता है थोड़ा बहुत लेंथी हो जाता है पर बार बार देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा, फुल वीडियो को देखिएगा। और यहाँ बाहर सभी लोग जैसे गाँव के लेडीज़ लोग भी बैठी हैं और गांव के जो भी परिवार हैं सभी लोग हैं,
और जो हमारे मेहमान लोग हैं सभी लोग बैठे हैं। और यहाँ से थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ हो गया था तो उस क्लिप को हमने हटा दिया, बिल्कुल कट कर दिया था थोड़ा सा छोड़ कर। और यहाँ दूल्हे का नज़र हम उतार चुके हैं, बस यहाँ सबल्ला बैठा है तो सबल्ला का भी नज़र उतार देते हैं और थोड़ा सा काजल लगा देते हैं पीछे, तो क्योंकि उल्टा पीछे से ही मोबाइल का लगाया हुआ था कैमरा, नहीं तो सामने से होता तो फिर सामने से दिखता चेहरा फेस पूरा अच्छा लगता। तो अब इस साइड सामने से दिख रहा है। अब यहाँ ये रस्म हो रहा है मामा मामी का, तो फिर क्योंकि इमली घुटाया जा रहा है तो आप लोग बने रहिएगा। और सनी के मामा हैं ये इमली घुटा रहे हैं और पीछे जो है सनी की मामी है, तो जो भी है इमली घुटाई का जो नेग है वो लेके अपना खड़ी है। तो सनी के मामा भी एक ही हैं तो फिर अकेले ही बस यही इमली घुटाते हैं क्योंकि अकेले है ही। तो यहाँ सभी लोग अपना ध्यान से देख रहे हैं, पर कैमरे में जो कुछ जितना कैच हुआ है उतना आप लोगों तक हम पहुँचा रहे हैं। और बाकी का जो है वीडियो रिकॉर्डिंग तो चल रहा है सब कुछ, उधर कैमरे वाले भी अपना शूट कर रहे हैं चारों तरफ का। और बच्चा था तो फिर काफ़ी अच्छा शूट भी किया, नहीं तो जो ये शूट हुआ है थोड़ा बहुत सीन ये भी नहीं शूट हो पाता और मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बन पाता, लेकिन बच्चे ने हमारा बहुत सपोर्ट किया और हर जगह का थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और यहाँ पे जो भी सामान था साड़ी वगैरह कपड़े और पैसा वगैरह तो हम ले लिए हैं और उसके बाद फिर हमें रख के आते हैं। और यहाँ पे जो भी है तो सारा रस्म पूरा हो चुका है दूल्हा का। और यहाँ आ चुके हैं बारात लेके, तो बीच का जो भी रस्म था छूट गया, क्लिप शूट नहीं हो पाया बारात निकालते टाइम वहाँ हमारे घर का, और जो भी वो सब क्लिप छूट गया था तो बारात पहुँचाने वहुँचाने का। और यहाँ सीधे थोड़ा सा क्लिप है जब शादी बैठने जा रहा है तब का क्लिप है, तो आप लोग भी देखिए। और दुल्हन आकर बैठ चुकी है क्योंकि बहुत ही कम समय था, जैसे शादी का शुभ मुहूर्त बहुत कम टाइम में ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए जितने टाइम में शुभ मुहूर्त था उसी टाइम में शादी को ख़त्म भी करना था, तो इसीलिए बहुत जल्दी से सारा काम यहाँ शुरू भी हो गया है। तिलक वगैरह के रस्म पूरे हो चुके हैं और इसके बाद से अब यहाँ देख सकते हैं जो शादी चल रहा है तो पाव पूजे जाते हैं, तो पाव पूजा ही चल रहा है। तो ये दुल्हन का भाई है और ये भाभी हैं, तो फिर ऐसे ऐसे करके जो जितने फैमिली हैं सभी लोगों ने पाव पूजा और शादी भी जो शादी का रस्म होता है वो भी पूरा हो गया था। लेकिन जहाँ तक जो क्लिप शूट हो पाया है क्योंकि सौरभ था तो थोड़ा बहुत क्लिप वहाँ का शूट कर लिया था तो हमने मंगवा लिया था। और यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी लोग अपना पाव पूजाई का जो रस्म है पूरा कर लिए थे, बस थोड़ा थोड़ा सा ही क्लिप हम मंगवाए थे, तो बस अब जो रस्म बाकी है वो रस्म भी पूरा हो जाए क्योंकि दुल्हन देख सकते हैं बैठी हुई है और इधर शादी विवाह का कार्यक्रम अंदर चल रहा है, तो कुछ मेहमान अंदर भी बैठे हैं, कुछ लोग अपना शादी विवाह का हर एक काम पूरा कर रहे हैं और कुछ लोग इधर बाहर अपना एंजॉय कर रहे हैं, गाना बजाना चल रहा है। आज तुमने बड़े खुशी की बात बताई बहन, तो एक खुशी की बात आज मैं भी बताने जा रहा हूँ तुम्हें बहन। बाहर इधर बारातियों के मनोरंजन के लिए कुछ कार्यक्रम जो चल रहा है वो सब अपना एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। और इधर यहाँ से हमने आवाज़ को म्यूट भी कर दिया है क्योंकि हमें डर था कि थोड़ा कॉपीराइट आने का यही सब टेंशन रहता है, तो कहीं का भी म्यूजिक नहीं उठाकर डालते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग अपना जगे हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं देख रहे हैं और जो लोग सो चुके हैं अपना आराम कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। और काफ़ी लोग जगे लेट कर देख रहे हैं, काफ़ी लोग बैठ कर देख रहे हैं और जिनको पसंद आ रहा है पूरी रात अपना ऐसे बैठकर। और ये जो कार्यक्रम है सुबह 7 बजे तक पूरा चलता ही रहेगा, शुरू हो जाता है शाम को 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम अच्छे से चलता है। तो जिनको देखना है पूरा अच्छे से शुरुआत से लेके लास्ट तक देखते ही रहेंगे और अपना खूब इंजॉय कर रहे थे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर कीजिएगा।
इधर यहाँ बारात पहुँचने के बाद ये सब चल रहा है और ये हमारे यहाँ बारात निकलने के बाद इधर गाना बजाना अच्छे से रहता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।